हम उनकी बात नहीं। ठीक है जी, लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज अगेन 1 बिलियन की एलोकेशन थी, बढ़ा के 1800 मिलियन कर दिए, 65% इंक्रीज है। लोकल गवर्नमेंट 12 अरब रुपए थी, अगले साल बढ़ा के 22.5 अरब रुपए यानी 110% इंक्रीज कर दिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 11.3 बिलियन एलोकेशन थी, बढ़ा के 15.5 अरब यानी 36% इंक्रीज। रूरल डेवलपमेंट 231 मिलियन थी, बढ़ा के 1000 मिलियन 330% इंक्रीज। सोशल वेलफेयर 233 मिलियन थी, उसको बढ़ा के 800 मिलियन 243% इंक्रीज। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स 682 मिलियन एलोकेशन थी, उसको बढ़ा के 2800 मिलियन कर दिया यानी 310% इंक्रीज। तो हमने ये कोशिश की है कि छोटे डिपार्टमेंट्स जिनको पहले ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी उनके प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें। 100 मिलियन से कम जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम पूरी एलोकेशन दें। इसके अलावा हमने एक और पॉलिसी रखी और कैबिनेट ने अप्रूव की कि जिस स्कीम पे भी 70% खर्च हो गया है, यानी 100 रुपये अगर रखा हुआ टोटल स्कीम की कॉस्ट थी, 70 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च हो गया है तो उसका बैलेंस अमाउंट हम इस साल में पूरा रख रहे हैं ताकि ये स्कीम जो है इस साल हम कंप्लीट कर सके जो अगला साल आने वाला है। इस तरीके से हम 1009 स्कीम्स हैं टोटल, मुझे नंबर जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम अगले साल जो कोई रिकॉर्ड होगा। इससे पहले हमारा रिकॉर्ड 2017-18 का है जिसमें हमने 700 के करीब स्कीमें, 700 से कुछ ऊपर स्कीमें कंप्लीट की थी। इस साल भी हमने 590 है स्कीम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो ये करंट ईयर है। अगले साल हम इसको डबल करने जा रहे हैं और ये जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि हम सारी स्कीम्स को जो साला साल चलती चली आ रही हैं उनको प्रायोरिटी दे के उनको ख़त्म करें। उसके साथ साथ हमने नई स्कीम्स को नहीं भूला। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर कहीं गलती हुई, मैं अगेन कहीं ना कहीं हो सकता है छोटी मोटी गलती हो गई हो,